गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल है E1200T, उसमें क्या है चार्जिंग का फॉल्ट है। क्या है कि चार्ज लगा रहे हैं फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि चार्जिंग का आज हम सोल्यूशन बताएंगे कि इस बोर्ड में चार्जिंग का फॉल्ट है, इसको कैसे हम ठीक करेंगे वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, आइए इधर। उसके बाद देख रहे हैं ये सेट प्रूफ पर मेरा ऑन है, दिखा देते हैं आपको। आपका ये सेट ऑन है लेकिन चार्जर लगाने के बाद ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में बताएंगे। बहुत ही इजी तरीका बताएंगे, वो भी जुगाड़ वाला तरीका बताएंगे। जुगाड़ से इसको कैसे हम मैनुअली चार्जिंग बनाएंगे, यानी चार्जिंग रेगुलेटर आईसी जो होता है उस आईसी को हम निकाल के फिर भी चार्जिंग बनाएंगे वो इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, ये आपका सेट ऑन है। ऑन होने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा आपका सीसी, जहाँ पे हम लोग चार्जर लगाते हैं, चार्जिंग कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये आईसी जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है। इस आईसी की पहचान यह है कि इसके बगल में R22 रजिस्टर लगा हुआ रहता है। ये जो रजिस्टर जहाँ पे होगा उसी के बगल में ये आईसी होगा, और ये जो आईसी होगा ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी होगा। इसका काम क्या है कि बैटरी को चार्ज करना होता है, यानी सीसी के पॉजिटिव पिन से सप्लाई इसमें आता है। अब ये क्या करता है, उस करंट सप्लाई को ये बीसी पे आउट करता है R22 के जरिए, तब जाके आपका बैटरी मैनुअली चार्ज होता है। तो इसको अभी क्या है कि चार्जर लगा रहे हैं फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसके कैसे हम ठीक करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ये चार्जिंग का एक थ्योरी है हम बता देते हैं। ये आपके सामने एक थ्योरी है, देख लीजिए डायग्राम। ये चार्जिंग पिन होता है 20 पिन का। ठीक है, 20 पिन में फर्स्ट सेकेंड आपका पॉजिटिव होता है, लास्ट वाला दोनों निगेटिव होता है। फर्स्ट वाला सप्लाई जाता है चार्जिंग रेगुलेटर आईसी के एक नंबर पिन पे। यहाँ पे चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है जो कि ये है। तो ये फर्स्ट वाला ये जो सप्लाई इनपुट जाएगा ये चार्जिंग आईसी के एक नंबर पिन पे जाएगा। एक नंबर पिन कैसे काउंट होगा, तो जहाँ पे आईसी के पिन पे डॉट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डॉट है, जहाँ पे डॉट होगा वो आपका एक नंबर पिन होगा। ये आपका एक नंबर होगा जहाँ पे डॉट होगा। एक नंबर पे आपका इनपुट सप्लाई जाता है, यानी सीसी का पॉजिटिव सप्लाई जाता है। और दो नंबर सप्लाई जाता है आपका पावर आईसी में जाता है। तीन नंबर से आपका सप्लाई आउट होता है R22 के जरिए बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम के अनुसार जो हम लोग सर्किट बनाए हैं इसके अनुसार ट्रैक को चेक कर लेना। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों इधर ग्राउंड हो जाएगा और ये दोनों आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से आपका सप्लाई आएगा यहाँ पे, एक एनपीसी लगा हुआ रहता है यहाँ पे, देख रहे हैं एनपीसी है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नंबर पिन हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका इनपुट सप्लाई हम लोग चेक कर लिए, इनपुट सप्लाई सही है। ठीक है, आउटपुट सप्लाई चेक करना है, तो आउटपुट कैसे चेक करना है, बीसी के पॉजिटिव पिन से यहाँ सही है, देख रहे हैं बीप दे रहा है यहाँ पे, देखिए सही है उसका, ये तीन नंबर पे आएगा, ये भी सही है। यानी ट्रैक हमारा इनपुट भी सही है आउटपुट भी सही है, लेकिन फिर भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये जो हम लोग डायग्राम अभी देख रहे हैं ये सैमसंग के मोबाइल में मिलेगा। ठीक है, सैमसंग के मोबाइल में बहुत सारा मॉडल में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चार्जिंग आई इनपुट भी सही है आउटपुट भी सही है फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम लोग चार्जिंग आईसी का ही फॉल्ट होता है, जबकि ट्रैक सही होने के बाद भी नहीं होता है। तो चार्जिंग आईसी क्या, ये रेगुलेटर आईसी है, इसको क्या करना होगा, आपको अवेलेबल होगा तो रिप्लेस कीजिएगा, नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। इसमें हम लोग मैनुअली चार्जिंग बनाएंगे, मैनुअली जैसे डिस्प्ले पर चार्जिंग इंडिकेट भी करेगा और बैटरी भी स्टोर होगा, बहुत बढ़िया से होगा। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चार्जिंग आईसी जो देख रहे हैं 8 पिन का लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके बगल में R22 है। तो ये जो पैटर्न आप भी जा रहे हैं बताने, ये सभी में लागू होगा, जितना फ़ोन है सैमसंग का जिसमें ये 8 पिन का आईसी होगा R22 का, सब में ये जो बताएंगे वो सब में अप्लाई होगा, सब में बनाएंगे उसी तरीके से। तो करना क्या है कि आपको चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को निकाल देना है।
क्या करना है, चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद इसको, चलिए देखिए अब कैसे इसको हम ठीक करेंगे उसके ऊपर आते हैं। ये आपका सीसी हम लोग बना दिया है, यहाँ पे जो चार्जिंग रेगुलेटर आईसी देख रहे हैं, इस आईसी को रिमूव करना है। आईसी को रिमूव कीजिएगा तो आठ पिन का होगा, आठ पिन यानी एक पिन, दो पिन, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, चार ऊपर होगा, चार नीचे होगा। तो इधर देख रहे हैं, ये इधर डॉट है, इस साइड यहाँ पे डॉट है। तो ये आपका एक नंबर, दो नंबर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हम लोग क्या किए, रिमूव किए, रिमूव किसको किए, चार्जिंग रेगुलेटर आईसी को। रिमूव चार्जिंग रेगुलेटर आईसी कर देना है। उसके बाद आठ पिन होगा, आठ पिन में से यहाँ पे डॉट है, जो कि यहाँ पे डॉट हम लोग बना चुके हैं। और एक नंबर जो होगा ये सीसी के पॉजिटिव पिन से आएगा सप्लाई, यहीं पे वो एनपीसी लगा हुआ रहता है जो कि पैरेलल में लगा हुआ रहता है। ये आपका इनपुट हो गया। दो नंबर की सप्लाई आपका कहाँ पे जाता है, पावर आईसी में। ये आपका पावर आईसी बना दिए, ये आपका पावर आईसी हो गया दो नंबर, ठीक। तो चार्जिंग आईसी निकालिएगा तो सब पिन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, जो चार्जर हम लोग यहाँ से डालते हैं, यहाँ पे आता है कितना वोल्ट, 5 से 7 वोल्ट आएगा, के द्वारा इनपुट होता है। देखिए चार्ज, अब करना क्या है आप लोग को, एक नंबर इनपुट हो गया, दो नंबर पावर आईसी में जाता है, और तीन नंबर से R22 के जरिए आउट होता है। ये आपका चला जाता है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पर, ठीक है, ये पॉजिटिव पिन पर आ गया, ठीक। अब क्या करना है कि चार्जिंग आईसी को निकाल दीजिएगा, निकालने के बाद एक नंबर और दो नंबर को जम्फर के द्वारा या रंगा के द्वारा शॉर्ट कर दीजिएगा। इस तरह शॉर्ट कीजिएगा, जब चार्जर हम लोग लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद ये दो नंबर पे सप्लाई जाएगा यानी पावर आईसी में, तो ये आपका चार्जिंग इंडिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। बस इंडिकेट करेगा डिस्प्ले पर चार्जिंग, बट बैटरी स्टोर अभी नहीं होगा, क्योंकि जो आउटपुट सप्लाई है उसमें कोई कनेक्शन है, कहीं से आउट हो रहा है वोल्टेज, नहीं हो रहा है। तो करना क्या है कि एक दो को शॉर्ट कीजिएगा, जब चार्जर लगाइएगा तो डिस्प्ले पर चार्जिंग इंडिकेट करेगा, बट स्टोर नहीं होगा। स्टोर तब होगा जब हम इसमें सप्लाई आउट करेंगे। तो इसमें सप्लाई आउट करने का तरीका यह है, अगर इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं तो भी आउट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करने से क्या होगा एरर, कि अगर इसको हम डायरेक्ट कर दे देते हैं बाई चांस, इसको डायरेक्ट कर दिए तो 5 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, 5 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है कि जब हम लोग चार्जर निकाल भी देंगे तो बैटरी डिस्प्ले पर चार्जिंग इंडिकेट करेगा, यानी ऑटो चार्जिंग हो जाएगा। ऑटो चार्जिंग हो जाएगा कैसे, क्योंकि चार्जर निकालने के बाद भी इधर से तो आ रहा है वोल्टेज बैटरी कनेक्टर से, इसको वोल्टेज मिलेगा, ये सेंस करने डिस्प्ले पर इंडिकेट करना शुरू कर देगा। तो करना क्या है, इसको डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट करने से पहले इसमें एक हम लोग छोटा सा काम करेंगे, एगो जेनर डायोड का यूज करेंगे। यहाँ पे जेनर डायोड का यूज करेंगे, इसमें क्या फ़ायदा है, ये वन साइड करंट को फॉलो करेगा, रिवर्स नहीं आने देगा। इस तरह कीजिएगा 100% ये आपका 100% सफलता मिलेगा। ओके होगा, देखिए अभी हम इस पर करके दिखाने आ जाएंगे। अभी हम लोग चार्जिंग आईसी निकालेंगे, इस तरह इसे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके दिखाएंगे। अगर ये जो हम लोग जेनर डायोड लगाए हैं, ये अगर आपके पास जेनर डायोड है तो अलग से लगा दीजिए, अगर नहीं है तो सेट में भी जेनर डायोड रहता है, ये बैटरी कनेक्टर के जस्ट बगल में। ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, देखिए बैटरी कनेक्टर हो गया, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसके बगल में ये डायोड लगा हुआ रहता है इस तरीके से। इधर एक साइड हाईलाइट रहता, ठीक है, ये जो हाईलाइट रहता है इस तरीके से, इधर हाईलाइट नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव सिरा होता है, तो पॉजिटिव आपका किससे जुड़ा हुआ रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव पिन से हुआ रहेगा, ये पॉजिटिव, और ये जो है ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अगर जेनर डायोड अलग से है तो लगा सकते हैं इस तरीके से, नहीं है तो हम इसी डायोड को, यानी इसी डायोड को हम इसी डायोड से बनाएंगे। करेंगे क्या, जो ये ग्राउंड सिरा है इसको ग्राउंड से उठा देना है, यानी ग्राउंड से कनेक्शन हटा देना है।
कनेक्शन हटा के नीचे एक कागज रख देना है ताकि वो ग्राउंड से टच नहीं हो, और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जंप उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे। ये डायोड क्या करेगा, ये करंट को आगे पास करेगा लेकिन रिवर्स नहीं आने देगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, मैनुअली चार्जिंग होगा, यानी डिस्प्ले पर इंडिकेट भी करेगा और बैटरी भी स्टोर होगा। देखिए हम इसमें करके दिखाएंगे अभी प्रैक्टिकल। देखिए अब ये चार्जिंग आईसी हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस चार्जिंग आईसी को निकाल देना आपको, निकाल दिए। निकालने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, ठीक है, इस तरीके से निकाल देना है। निकालने के बाद ये आपका एक नंबर था, देखिए ये इंडिकेट भी किया हुआ है, यहाँ पे दिखाइए इनको, ये देख रहे हैं निशान, ये वाला निशान, ये एक नंबर हो गया। तो करना क्या, एक दो को शॉर्ट करना है, देखिएगा हम क्या किए, एक दो को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ का सप्लाई भी चेक करके आपको बता देते हैं, सही है। अब देखिए इसको हम बैटरी डालेंगे, सेट को ऑन करेंगे, सेट ऑन हो गया। अभी चार्जर निकालिए, तो वहाँ से चार्जर, चार्जर निकालने का देखिए चार्जर यहाँ पर लगा देंगे, चार्जर में करंट है, ये आपका वायर हो गया चार्जर का, ठीक है। और इसमें हम लोग अभी डालेंगे, देखिए चार्जिंग इंडिकेट करना शुरू कर दिया, देखिए अब करना क्या है, डायोड का एक सीधा हमको एक दो को शॉर्ट कर दिए हैं, अब इस डायोड का एक सीधा हम हटा देंगे यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सामने देखिए ये डायोड का एक सिरा हटा दिए हैं ग्राउंड वाला, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव है, ग्राउंड वाला सिरा हटा दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये एक तो यहाँ पे जम्पर देंगे जहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा था, ठीक। दूसरा जम्पर हम देंगे वहाँ पे जहाँ पे आउट करना है वोल्टेज को, यानी डायोड के पास, ठीक है। डायोड के पास जोड़ दिए, कनेक्ट हो गया। देखिए चेक करके बताते हैं इसको, कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिएगा। ये आपका इनपुट हो गया और इधर से आउटपुट हो गया, क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज भी लगा के हम आपको चेक करके बता देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ पे कितना, यानी 5 वोल्ट, यानी सप्लाई सही चला गया, बाईपास हम लोग कर दिए। इस तरह करने से आपका डिस्प्ले पर चार्जिंग इंडिकेट भी करेगा और बैटरी भी अच्छी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका चार्जिंग इंडिकेट भी करने लगा और बैटरी भी स्टोर होगा। इस तरह करने से ये जो अभी बताए हैं हम लोग, ये सैमसंग के सभी फ़ोन में होगा, जिसमें आपको 822 मिलेगा और 8 पिन का चार्जिंग रेगुलेटर आईसी होगा। उस मॉडल में इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, 100% चार्जिंग डिस्प्ले पर शो भी करेगा और बैटरी भी स्टोर होगा। और सबसे पहले कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक इन्फो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9708441666। इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, मेरा इंस्टीट्यूट पटना में है, नया टोला कुमरान। ओके, थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक।